एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक वेबसाइट की। इस वेबसाइट पर आप अपनी इंग्लिश का टेस्ट ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पहले से ही थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आप अपना लेवल जानना चाहते हैं कि व्हाट्स योर लेवल इन इंग्लिश, सो आप इस वेबसाइट को आप इस वेबसाइट का यूज करके आप अपनी इंग्लिश का टेस्ट ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस वेबसाइट फर्स्ट। सो ये जो वेबसाइट अगर आप खोलना चाहते हैं अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल पर टाइप करके सर्च करते हैं टेस्ट इंग्लिश, तो ये पेज आपका नहीं ओपन होगा, क्योंकि ये एक न्यू वेबसाइट है। सो सिंपली आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच जाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज फाइव फीचर्स विच आर गिवन इन द वीडियो, सॉरी गिवन इन दी वेबसाइट। सो ये पहला ऑप्शन है ग्रामर, सेकेंड है लिसनिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ यूज ऑफ इंग्लिश एंड लास्ट इज राइटिंग। सो एक एक करके हम सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। सो पहला हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है ग्रामर। सो हम ग्रामर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिर पांच ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइव ऑप्शन विल बी गिवन ओवर देयर। आपको इनमें से एक चूज करना है कोई सा भी। ये सारे लेवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है एलिमेंट्री, प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये सारे ऐसे करके पांच लेवल्स होते हैं। प्री एडवांस मीन्स आप परफेक्ट इंग्लिश में, एलिमेंट्री मीन्स आप बेसिक कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं आपको कौन से लेवल का इंग्लिश टेस्ट करना है। सो सेकेंड है लिसनिंग, लिसनिंग में भी यही ऑप्शन है, यही पांच ऑप्शन है। रीडिंग में भी सेम ऑप्शन, यूज ऑफ इंग्लिश में भी और राइटिंग में भी। सो इन पांचों में ये ऑप्शन सारे सेम है, मीन्स इसमें कैटेगरी सेम है, एलिमेंट्री, प्री इंटरमीडिएट और ऐसे करके प्री एडवांस तक। सो लेट्स एक्सप्लोर ग्रामर फर्स्ट। सो आप ग्रामर पे क्लिक करेंगे। मान लो अगर आप बिगनर हैं, आप बिल्कुल नुवाइश हैं अपनी इंग्लिश में, आपने थोड़ा बहुत सीखा है, तो आप एलिमेंट्री पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, सो आप यहाँ पे प्री इंटरमीडिएट पर क्लिक कर सकते हैं। सो मैं अभी प्री इंटरमीडिएट पर क्लिक करती हूँ। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर लेसन्स एंड एक्सरसाइजेज शो हो जाएंगी, आपको शो करेंगी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लेसन्स आ गए हैं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ये फर्स्ट वाले पे, हु व्हाट हाउ एंड व्हाई। तो ये है आस्किंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, क्वेश्चन फॉर्म्स। सो जैसे मुझे सीखना है और मुझे अपना टेस्ट लेना है कि क्या मेरा क्वेश्चन फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, कैन आई आस्क क्वेश्चंस प्रॉपरली और नॉट। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन हैं, एक्सरसाइजेस एंड सेकेंड ऑप्शन इज एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको पहले से ही इसका कोई आइडिया है कि ये कैसे यूज करते हैं, तो आप सिंपली एक्सरसाइज के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे आपके पास एक ये फ्लो चार्ट है। इसमें आप ये रीड करके, आप ये पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे यूज करना है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट टाइम, हाउ मच। एक्सप्लेनेशन के बाद आप वापस एक्सरसाइजेस पर आ सकते हैं। सो ये एक्सरसाइज वन है, जैसे यहाँ पर आपको आंसर इस तरीके से देना है, हाउ ऑफन डैश डू द डेंटिस्ट। सो यहाँ पर ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं कोई सा भी। जैसे मैं चूज करती हूँ, हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, सो आई एम चूजिंग दिस। और ऐसे करके सारे आपको चूज करना है और लास्ट में आपको चेक करना है अपना आंसर। सो क्लिक ऑन चेक आंसर। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके कितने आंसर्स गलत थे, कितने आंसर्स सही थे। सो आप ये फर्स्ट वाला अगर देखेंगे, तो ये मैंने फर्स्ट आंसर फिल किया था, डू यू गो। सो ये आंसर एग्जैक्टली ये आंसर करेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, उनको सबको ये गलत शो कर रहा है, क्योंकि आई डिड नॉट फिल दैट क्वेश्चन, राइट। सो ऐसे ही करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं आपको करने के लिए, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, एक बार मैं फिर उस पेज पर लेके चलती हूँ आपको। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको सीखने के लिए, आप कोई सा भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन वर्ड्स वाला सीखा था। नेक्स्ट है सब्जेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विद प्रीपोजिशंस, प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप कोई सा भी टॉपिक चूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज लिसनिंग, सो लिसनिंग पर चलते हैं, लिसनिंग के ऑप्शन पे। इसमें भी आप कोई सा भी लेवल चूज कर लेंगे। लेट्स से आई एम चूजिंग एलिमेंट्री।
उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑडियोज दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया डेली रूटीन। सो यहाँ पर ये जो वीडियो है आपको प्ले करना है, प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ये प्ले करना और सुनना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट टाइम डज ही वेक अप। सो आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन लिसन टू दिस वीडियो और नॉट, आई डोंट नो कि आप इसको ये वीडियो सुन पा रहे हैं कि नहीं, बट ये मेरे लैपटॉप पर प्ले हो रही है। यू हैव टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको ये आंसर्स देने हैं। सो लेट्स सी, आई एम जस्ट चूजिंग द रैंडम आंसर, मैं कोई सा भी आंसर चूज कर लेती हूँ, 8 AM, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाना है। ऐसे ही करके सारे आपको आंसर्स चूज करने हैं, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है टोटल, तो मैं यहाँ पर कोई सा भी आंसर अभी जस्ट रेंडमली चूज कर लेती हूँ। उसके बाद ये जैसे लास्ट आंसर है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है चेक आंसर, सो यू कैन क्लिक ऑन चेक आंसर एंड यू विल गेट योर आंसर ओवर देयर। सो यू कैन सी हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट एंड हाउ मेनी आंसर्स आर रॉन्ग। लाइक पहला, सॉरी ये फोर्थ है, फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ। सो ये एक रैंडम चॉइस थी जो मैंने चूज किया था, सो इट्स आई गेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रॉन्ग, ओनली वन आंसर इज राइट। सो यू कैन चूज इट मीन्स, सो यू नीड टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है एंड देन यू हैव टू आंसर इट। सो सेम थिंग लिसनिंग में भी आपको बहुत सारी ऑडियोज मिलेंगी, आपको जो चूज करनी है आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग, आपको रीडिंग के ऑप्शन में जाना है, अगेन देर विल बी 5 ऑप्शंस, आप चूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट, प्री इंटरमीडिएट, कोई सा भी ऑप्शन। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप एक्टिव विलेजर्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ये टॉपिक्स हैं रीडिंग के लिए, सो लेट मी चूज द फर्स्ट वन। सो नाउ यू कैन सी देर इज अ पैराग्राफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ दिया गया है आपको, इसको आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर्स देने हैं, और सेम प्रोसेस है इसमें भी, आपको ये आंसर्स चूज करके नेक्स्ट 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 करके एंड देन यू हैव टू चेक द आंसर। सो आई एम जस्ट चेकिंग द आंसर, सो नाउ यू कैन सी ओनली फर्स्ट आंसर इज राइट एंड दैट वाज आल्सो रैंडम। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पर दिखा देगा कि योर स्कोर इज 20%, सो यहाँ पर मेरा स्कोर 20% है, आप 100% ला सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉर रीडिंग ऑल्सो। नेक्स्ट यूज ऑफ इंग्लिश, एलिमेंट्री में अगेन मैं चूज कर लेती हूँ दोबारा से, यहाँ पर इंग्लिश टेस्ट 1, तो मैं यहाँ पर चूज कर लेती हूँ फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हाय जॉन हाउ आर यू डूइंग, सो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज करना है। सो ये आंसर होगा राइट, वी हैव रिटन और आई एम राइटिंग, व्हाट शुड बी देयर। सो यहाँ पे मैं चूज करती हूँ आई एम राइटिंग, ऐसे करके आपको सारा फिल करके यहाँ पे चेक आंसर पे क्लिक करना है, आपको आंसर शो हो जाएंगे। सो मेरा फर्स्ट आंसर करेक्ट है बिकॉज आई चूज द राइट आंसर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग, सो बाकी के आंसर मेरे सारे गलत है क्योंकि मैंने चूज नहीं किए। नेक्स्ट इज एंड सेम प्रोसेस इज फॉर यूज ऑफ इंग्लिश ऑल्सो, इस ऑप्शन के लिए भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन राइटिंग, आप इसमें कोई सा भी चूज कर सकते हैं जैसे अकॉर्डिंगली। सो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कमिंग सून, इट मीन्स अभी राइटिंग का, ये एक नई वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट, सो ये अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, ये इट्स कमिंग सून, तो ये मीन्स शॉर्टली इट विल बी देयर, थोड़े टाइम में ये राइटिंग ऑप्शन भी होगा कि हम इसमें राइटिंग अपनी कैसे, राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।